So good morning, class 7 students. So again today warm welcome to you at the residential DAPS online classes. And let me just remind you the our school's YouTube link, YouTube channel, and it is none other than DAPS School Space Purnia. ठीक है, ये हमारा YouTube channels है. ठीक है, जिसने subscribe नहीं किया है YouTube में जाना, DAPS स्कूल स्पेस पूर्णिया देकर के वहां पे सर्च करना, तो हम लोग का स्कूल को राउंड लोगो वाला आपका वो लोगो आ जाएंगे, आइकन आ जाएंगे, उसको प्रेस करना. और जो आपका सब्सक्राइब है ना, जो रेड कलर से लिखा जाता है, रेड अल्फाबेट से, उसको प्रेस कर लेना है. एंड यू विल गेट द बेल आइकन्स, डियर स्टूडेंट, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लेना. सो विदाउट किलिंग आवर टाइम, वेस्टिंग आवर टाइम, सो टुडे आई कैन स्टार्ट क्लास 7 साइंस फिजिक्स सेक्शंस. फिजिक्स का हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ लिए थे इससे पहले, है ना, हीट था. सो द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2 इन फिजिक्स सेक्शन इज मोशन एंड टाइम. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 टू टेक द साइंस बुक एंड लेट अस फोकस लाइन बाय लाइन. तो एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन डियर स्टूडेंट, तो पहला टॉपिक यहां पर है इंट्रोडक्शन. मोशन मीन्स मूवमेंट, ठीक है, ध्यान से देखना. मोशन कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज अ कंटिन्यूस चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज इन डिफरेंट वेज विद टाइम. सो देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड दीज वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन आर ट्रांसलेटरी मीन्स लीनियर मोशंस, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशंस, रोटेटरी मोशंस एंड रैंडम मोशन. डियर स्टूडेंट, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा तुम लोग को. स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी का जो भी आपका नॉर्मल बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जो भी मैटेरियल है, उसका स्टेट दो ही हो सकता है. ठीक है, कि तो मोशन में होंगे या रेस्ट. यदि जो बॉडी मोशन में है मीन्स मूविंग में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन में. जो आपका बॉडी नहीं मूव कर रहा, मीन्स एक जगह स्थिर है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट. तो कोई भी बॉडी मीन्स हम लोग के आसपास दो ही स्टेट हम लोग देख सकते हैं, है ना. मीन्स द स्टेट ऑफ बॉडी कैन बी लीड टू आइदर रेस्ट और मोशन. ये तो रेस्ट में होगा, ये तो मोशन में होगा, एक ही साथ दोनों नहीं हो सकता है ना. कोई बॉडी मूविंग कर रहा है ना, चेंज कर रहा है अपने पोजीशन बार बार, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन दैट स्टेट ऑफ बॉडी इज सेड टू बी मोशन. एंड व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट. ठीक है, रेस्ट मीन्स एक जगह आपका फिक्स रहना, स्टेग्नेंट रहना, स्टेशनरी रहना, अपना पोजिशन को नहीं चेंज करना. मगर मोशन मींस अपने पोजीशन को बार बार चेंज करते रहना. अभी यहां है, फिर थोड़ा समय के बाद वहां, मतलब पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग. तो डियर स्टूडेंट, तो मोशन में आ जाओ. मोशन का बहुत सारे टाइप्स है यहाँ पे, है ना. यहाँ पे जो आपका दिया है वही हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पे नंबर 1 दिया है ट्रांसलेटरी. ट्रांसलेटरी का 2 टाइप है, एक रेक्टिलिनियर और एक आपका कर्विलिनियर, है ना. नंबर 2 आपका रोटेटरी है मोशन. रोटेटरी हरा की आपका सर्कुलर मोशन में आ जाता है. सर्कुलर के नंबर 1 में रोटेटरी और नंबर 2 में आपका रिवोल्यूशनरी मोशन लिख सकते हो. ठीक है, और एक आपका है ऑसिलेटरी मोशन, उसके बाद है ना फाइनल आपका है रैंडम मोशन. तो अगेन लेट मी गो थ्रू द बुक डियर स्टूडेंट्स, है ना. इंट्रोडक्शन में हम लोग यही जाने, मीन्स व्हेन आवर बॉडी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन सराउंडिंग. क्योंकि अभी 8 बजे यहाँ पे हो, सब कुछ सुदीन चौक में हो, तो 8:30 में है ना तुम कहीं और जगह रहते हो, दूसरा चौक पे रहते हो, है ना. मतलब समय भी चेंज हुआ है ना, कुछ देर पहले कुछ समय और था, थोड़ा देर बीतने के बाद आपका समय आपका बढ़ा, आगे बढ़ा, और आपका सराउंडिंग भी आपका चेंज होना, है ना, चेंज हो रहा है. Then that state of body is said to be motion. तो simply define कर सकते हो motion को, when a body continuously changes its position with respect to time and surrounding, then that state of body is said to be motion. बहुत सारे example हैं,
है ना, फ्लाइंग एरोप्लेन्स, फ्लाइंग काइट्स, मूविंग व्हीकल्स ऑन द रोड, रनिंग बॉय, है ना, व्हेन योरसेल्फ, टेक योरसेल्फ एज एग्जांपल, तुम खुद एक एग्जांपल हो, जब तुम घर से स्कूल आते हो, स्कूल से रिटर्न बैक घर जाते हो, कैसे जाते हो, अपने पोजीशन को चेंज करते हो, तो उस समय तुम मोशन में रहते हो डियरेस्ट, मींस यू आर कंटिन्यूअसली यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। तो बहुत सारे एग्जांपल कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर टाइप्स ऑफ आपका मोशन हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पे ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मींस देखो यहां पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ स्मूथ कर्व, इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी। यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सीधा जा रहा है और कर्व है ना, थोड़ा वो कर्व पाथ में भी मूव कर रहा है, तो यहां से समझेंगे आपका व्हेन अ बॉडी इज मूविंग आइदर इन अ स्ट्रेट पाथ और अ कर्व पाथ, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी का दो टाइप है डियर स्टूडेंट, रेक्टिलिनियर मोशंस एंड कर्विलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मींस इन स्ट्रेट पाथ, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, सीधा जा रहा है ना, तो उस पाथ में जो बॉडी मूव कर रहा है उस मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन डियर स्टूडेंट्स। यदि बॉडी आपका है ना चेंज कर रिया, मीन्स वो कर्व थोड़ा टर्निंग ले, यू टर्न ले रहा है कहीं से, है ना, थोड़ा वो घूम रहा है, मीन्स कर्व कर ले रहा है, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं है ना कर्विलिनियर मोशन। सिंपली डिफाइन करना है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ कर्व पाथ देन दैट बॉडी इज एग्जिबिटिंग कर्विलिनियर मोशंस। ठीक है, दूसरा आ जाओ यहां पे रोटेटरी मोशंस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स और रोटेट्स और स्पिन अबाउट इट्स एन एक्सिस, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी। मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, मोशन ऑफ टॉप अबाउट इट्स एक्सिस आर द एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशंस। अब दूसरा डियर स्टूडेंट नंबर बी में आपका बुक ने दिया है रोटेटरी मोशंस। तो रोटेटरी मोशन मीन्स एक जगह मान के चलो एक एक्सिस वहां पे एक पॉइंट पे आपका अटैच रहता है, फिक्स रहता है और उसी पॉइंट पे वो आपका बॉडी घूमते रहता है। मीन्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग और टर्निंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जैसे मूविंग फैन देखा होगा वो अपने एक्सिस के आसपास वो घूमते रहता है ना, एक कॉमन पॉइंट में वहां पे, जैसे अर्थ भी तो रोटेट करता है, नहीं रोटेट करता है, जैसे स्पिनिंग टॉप टॉप गेम के होगा है ना, एक वन टाइप ऑफ गेम भी होता है जो आपके चिल्ड्रन सब खेलते रहता है। व्हेन यू टेक अ टॉप एंड व्हेन यू स्पिन, तो एक जगह क्या हो जाता है वो आपका एक पॉइंट में कॉमन हो जाता है, फिक्स हो जाता है और वो घूमते रहता है ना अबाउट इट्स ओन एक्सिस, देन दैट मोशन इज सेड टू बी रोटेटरी मोशन। सिंपली डिफाइन करना है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस देन दैट मोशन इज सेड टू बी रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मूविंग रोटेशन ऑफ द फैन है ना, बहुत सारा ले सकते हैं हम लोग। मील में जो आपका पुल्ली जो घूमता है वो भी आपका रोटेटरी मोशन है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा आपका है ऑसिलेटरी मोशंस। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो बिटवीन टू पॉइंट्स रिपीटेडली इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग एंड द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन मीन्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ टू एंड फ्रो मोशन डियर स्टूडेंट। ऐसा देखा होगा स्विंग है ना, आगे पीछे करते रहता है ना, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन है ना, और वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। मीन्स वाइब्रेट्स मीन्स आगे पीछे करना है, और ऑसिलेटरी मीन्स एक कॉमन पॉइंट में फिक्स हो जाते हैं यहाँ पे है ना। सपोज ए बॉडी है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आगे, जैसे स्विंग देखा होगा, जब एक किसी को झूला में हम लोग बैठा देते हैं और उसको हम लोग ठेल देते हैं, तो क्या करेगा वो आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा है ना। तो टू एंड फ्रो यदि हो रहा है बॉडी में, बॉडी आगे पीछे मूव कर रहा है, तो उस आगे पीछे को जाने को चाहे मूवमेंट को उस मोशन को ही हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। ठीक है, तो सिंपली डिफाइन करना है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ टू एंड फ्रो डायरेक्शंस repeatedly, then that motion is said to be oscillatory motion. Example, a child on a swing. ठीक है, motion of pendulum clock, clock में देखा होगा pendulum clock में एक
एक लॉन्ग रॉड जैसे होता है और नीचे आपका बॉब रहता है, मेटालिक बॉब, वो आपका आगे पीछे आपका हिलते रहता है, तो उसी मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा यहां पर दिया है स्लो और फास्ट। सीधी सी बात है, कोई बॉडी आपका बहुत है ना तेजी से अपना पोजिशन चेंज करता है, सिंपली डिफाइन करना है स्लो मोशन और फास्ट मोशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। When a body is changing its position in a less time, or you may say very quickly, मतलब कम समय में वो ज्यादा पोजिशन चेंज कर रहा है, इजिली चेंज कर पा रहा है, तो उस मोशन को, उस बॉडी का जो मोशन है उसी को बोलते हैं हम लोग फास्ट मोशन। जैसे जेट प्लेन देखो अभी यहां है, एक सेकेंड में कहां से कहां पहुंच जाता है ना, एक्सप्रेस ट्रेन, तो सब फास्ट मोशन है। अब लेट मोशन मींस क्या है, स्लो मींस जैसे सपोज आप जा रहे हो यहां पूर्णिया से भागलपुर पैदल, तो दैट इज द स्लो मोशन, मींस यू आर टेकिंग द टू मच टाइम, है ना, लेजी वा। जैसे स्नेल का मूवमेंट देखो, अर्थवार्म का मूवमेंट अंदर अर्थ देखो, वो सब क्या है, स्लो मोशन है, मींस काफी ज्यादा समय लगता है उन लोग को पोजिशन चेंज करने में। तो सीधी सी बात में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्लो मोशन को। स्लो मोशन मीन्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग और व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट पोजिशन इन मैक्सिमम टाइम, मीन्स मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स पोजिशन, देन दैट बॉडी इज एग्जिबिटिंग द स्लो मोशन डियर स्टूडेंट। एंड व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन वेरी क्विकली और इन अ लेस टाइम, देन दैट बॉडी इज एग्जिबिटिंग फास्ट मोशन। ठीक है, तो यहां पे देखो, एज वी नो दैट देयर आर द नंबर ऑफ सिचुएशन इन एवरीडे लाइफ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इफ यू हैव टू ट्रैवल टू अ डिस्टेंस सिटी एज क्विकली एज पॉसिबल, यू विल डेफिनेटली प्रीफर एन एरोप्लेन देन अ ट्रेन और अ कार, फॉर अ सिंपल रीजन दैट द एरोप्लेन ट्रैवल्स फास्टर देन अ ट्रेन और अ कार। यदि डियर स्टूडेंट आपको इमरजेंसी है, जैसे आपका मेडिकल इमरजेंसी आ गया और पूर्णिया से तुरंत आपका रेफर कर दिया दिल्ली, तो कैसे जाते हैं हम लोग जनरली, है ना, हम लोग एम्बुलेंस फ्लाइट लेते हैं, मीन्स फ्लाइट के जरिए से। फ्लाइट क्यों लिए, ट्रेन से भी तो जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, साइकिल से भी जा सकते हैं, बहुत दिन लगेगा, है ना, तो जा तो सकते हैं, मगर हम लोग उस समय, क्योंकि हम लोग के पास वहां पर कम समय है ना, क्योंकि बात, क्योंकि वो मेडिकल इमरजेंसी है डियर स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि जब जब पहुंचेंगे तब तक आपका वो अंदर वही उसका है ना लाइफ खत्म ना हो जाए, वैसा नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका सेंसिटिव सिचुएशन है, हम लोग बहुत कम समय में वहां पे पहुंच करके उसको हम लोग इलाज करना है ना चाहेंगे, तो उसके लिए हम लोग जनरली फ्लाइट लेते हैं डियर स्टूडेंट। फ्लाइट लेने का रीजन वही है क्योंकि एरोप्लेन बहुत कम समय में अपना पोजिशन को चेंज करता है, मीन्स उसका जो मोशन है काफी फास्ट मोशन है। ठीक है, जो यदि हम लोग साइकिल लेते, बस लेते, ट्रेन लेते, तो एरोप्लेन के कंपैरिजन में इन लोग का जो आपका मोशन है काफी स्लो है, काफी टाइम लगता पहुंचने के लिए, है ना, जब जब पहुंचेंगे तब तक हम लोग को बेनिफिट नहीं हो सकता, मीन्स लाभ नहीं हो सकता है जिस हिसाब से हम लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इन टर्म्स ऑफ मोशन वी कैन से वॉकिंग इज अ स्लो मोशन व्हेयर एज रनिंग इज अ फास्टर मोशन। अब इसको और अच्छा से समझना है स्लो मोशन और फास्ट मोशन को। जैसे आप लोग पैदल चल रहे हो, है ना, व्हेन यू वॉक, है ना, दैट इज द स्लो मोशन, बट एट द सेम टाइम इफ समबडी इज रनिंग, है ना, पैरेलल टू यू, तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे, उस बॉडी का जो मोशन है उसको हम लोग बोलेंगे फास्ट, क्योंकि हम लोग के पर्सपेक्टिव में, हम लोग के कंपैरिजन में वो बॉडी बहुत तेजी से अपने पोजिशन, अभी यहां था मेरे पास, बहुत एक सेकेंड के बाद वहां पर बहुत जल्दी वो वहां पर पहुंच गया, मगर हमको काफी आपका टाइम लगेगा, काफी मोर सेकेंड लगेगा वहां तक पहुंचने में, जहां तक वो ऑलरेडी पहुंच चुका। ठीक है, तो यहां से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग स्लो मोशन को, व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इन मैक्सिमम टाइम, है ना, तो उस बॉडी का मोशन को हम लोग बोलते हैं स्लो मोशन। एंड इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन क्विकली इन लेस पीरियड ऑफ टाइम और इन नो टाइम, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी हैव फास्ट मोशन डियर स्टूडेंट। आप देखो यहां पे, जब बॉडी मूव करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, कुछ दूरी तय करेंगे, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल, जो मींस डिस्टेंस जो कवर करेंगे उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए हम लोग, एक डिस्टेंस है, एक आपका डिस्प्लेसमेंट। यदि हम लोग एक सीधा
एक प्रॉपर डायरेक्शन में गए तो जो हम लोग डिस्टेंस दूरी तय करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यदि हम लोग जिग जैग सीधा फिर घुमा करके यहाँ पर आ रहे हैं तो एंटायर जो लेंथ टोटल लेंथ जो बॉडी जो घुमा यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग क्लियर, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज मोशन। सिंपली व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। है ना, कौन सा स्टेट में है? मोशन में है। यदि चेंज नहीं करता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग तो उस बॉडी का जो स्टेट है उसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट। बहुत सारा एग्जाम्पल है कलेक्ट, है ना, इससे पहले बता चुके हैं, लिख लेना है मोशन का क्या है रेस्ट का क्या है। जैसे बिल्डिंग ट्रीज, है ना, जो आपका डेस्क एंड बेंचेस आपका रूम्स में है क्लासरूम में है वो सब क्या है आपका, सब रेस्ट में है, है ना। जैसे हमें जैसे फैन को हम लोग अभी स्विच ऑफ कर दिए हैं तो क्या है उसका स्टेट क्या है, अभी रेस्ट। जब स्विच ऑन करेंगे मोशन में हो जाएगा। तो बहुत सारा आपका हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल। और यहाँ पर हम लोग आपका मोशन का क्लासीफाई किए हैं हम लोग। मोशन हैज जो आपके बुक के हिसाब से दिया गया यहाँ पे ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी दो टाइप का है रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर। रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट पाथ में, यदि बॉडी सीधा जा रहा है उसको हम लोग बोले रेक्टिलिनियर। यदि आपका बॉडी कर्व ले रहा है ना, टर्निंग ले रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग कर्वीलिनियर मोशन। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और रोटेटरी मीन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसको बोलते हैं हम लोग रोटेटरी मोशंस। और ऑसिलेटरी मीन्स आगे पीछे, जैसे आपका कोई आपका जैसे चाइल्ड को स्विंग में बैठा दो उसको आपका पुश कर दो तो देखना वो चाइल्ड आपका आगे पीछे वो मूव करते रहेगा, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट ऑसिलेटरी मोशन। और इसके बाद हम लोग स्लो एंड फास्ट मोशन भी आपका डिस्कस कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप अप टू स्लो एंड फास्ट मोशन विद एग्जाम्पल्स यू हैव बीन वेल क्लियर। देखो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो एट फर्स्ट लेट मी रीड द लाइन बाय लाइन, ओके एट फर्स्ट देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट देखो द टर्म डिस्टेंस एक्चुअली इज द डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल और कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। इसका कहने का मतलब आपका डिस्टेंस कुछ भी नहीं है आपका, बल्कि आपका जब आपका बॉडी मूव करता है, जैसे बॉडी यहाँ पे है, है ना, सुदीन चौक में बहुत सारा सुदीन चौक से लेकर के आपको भट्टा बाजार तक जाने के लिए आपका बहुत सारा गली है ना, कहीं आपका सीधा रोड, कहीं पे आपका गली, कहीं पे टर्निंग मिलेंगे, ठीक है। तो सुदीन चौक से तुम भट्टा बाजार तक गए वहाँ पे, मतलब सुदीन चौक स्टार्टिंग पॉइंट था आपका, ए पॉइंट था, और भट्टा बाजार आपका फाइनल पॉइंट आपका बी है। तो सुदीन चौक से टोटल लेंथ कितना तुमने वहां पे भट्टा बाजार तक आपने ट्रैवल किया, क्या लेंथ है, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया टोटल, तो उसी को बोलते हैं वो डिस्टेंस, ठीक है। जब बॉडी मोशन में है मूविंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस कवर करता है, नहीं करता है, है ना। तो वही आपका एंटायर जो आपका लेंथ है डिस्टेंस है ना, जो ए पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट बोलो या फाइनल पॉइंट जो आपका भट्टा बाजार है वहां तक का जो आपका बी पॉइंट है वहां तक जो इंटायर लेंथ है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हम लोग द टोटल लेंथ ऑफ अ बॉडी वाइल मूविंग, या आप लगा सकते हैं हम लोग वाइल द टोटल लेंथ ऑफ अ बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मीन्स डियर स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उसने अपना सफर शुरू किया, है ना। तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन, मतलब यहां से डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा रहा है चाहे मूव कर रहा होगा, ठीक है। कहीं कर्व पाथ होगा, कहीं पे स्ट्रेट, कहीं पे आपका मे बी आपका है ना गली जिगजैग मिलता होगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिंपली आपको जोड़ना है किस पॉइंट से शुरू हुआ और कहां तक वो खत्म कर रहा अपना जर्नी, तो उस दूरी के बीच में कितना लेंथ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस कवर या डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। तो सीधी सी बात है द टोटल या द एक्चुअल लेंथ है ना ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड
डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो या डिस्टेंस कवर्ड बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल बोलो, सेम थिंग। पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा इसके पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा अंतर है ना। वेयर आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, और ये एक लेंथ लेगा, मीन्स एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन होना चाहिए इसमें, है ना, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है डायरेक्शन, ठीक है, कोई एक आपका निश्चित डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मानो घुमा करके यहां पर आ गया, तो इसका जो सीधा दूरी है, स्ट्रेट पाथ है यहां से, उसको कैलकुलेट करो और वही जो लेंथ आपका निकलेगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे मैंने एग्जांपल दी, यहां पे डियर स्टूडेंट देखो, यदि कोई बॉडी आपका स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, यहां पर जैसे ए पॉइंट है यहां पर, और यहां से ए मूव स्ट्रेट मूव किया बी पॉइंट तक पहुंचा, और यहां तक दूरी आपका 10 किलोमीटर है, तो सीधी से बात है ना, एक सीधा पाथ है, सीधा पाथ के लिए, स्ट्रेट पाथ के लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट भी है ना। तो डिस्टेंस कवर क्या हो गया, टोटल लेंथ यहां पे कितना है 10 किलोमीटर, तो सीधी से बात है द डिस्टेंस इक्वल टू 10 किलोमीटर, और उसी जगह डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, एक निश्चित डायरेक्शन लिया, स्ट्रेट पाथ लिया है ना, यहां से इस डायरेक्शन में, तो ये भी आपका 10 किलोमीटर है। अब देखो इस पाथ में है ना, बॉडी यहां पे ए से शुरू किया, फिर चलना शुरू कर दिया है ना, ये आपका इसका पाथ है, फिर यहां पे जाकर के अपना सफर शुरू किया, तो यहां से शुरू किया, ये जितना जो लेंथ बनेगा ना डियर स्टूडेंट, सपोज यहां पे 100 किलोमीटर आ गया, सपोज ए से लेकर के आपने बी तक जो ट्रैवल किया आपका 100 किलोमीटर, तो सीधी सी बात है देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू 100 किलोमीटर। डिस्टेंस का मतलब वही है कितना आपने लेंथ दूरी तय किया शुरुआती पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक, दैट इंटायर लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां पे 100 नहीं होगा, क्योंकि ये इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्टार्टिंग मींस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के जो बीच का जो दूरी है सीधा स्ट्रेट इस डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। सपोज मानो यहां से ए से बी तक यदि हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, चाहे स्ट्रेट पाथ हम बनाएंगे, यदि 5 किलोमीटर निकलता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 किलोमीटर हो जाता है। नंबर थर्ड डियर स्टूडेंट, 8 9 10 में जाओगे, यदि आपका स्टार्टिंग पॉइंट सपोज मान के चलो ए यहां पे है, घूम फिर के फिर ए यहां पे आ गया, सपोज यदि इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट फिर एक ही जगह मिल जाता है, तो उसमें तो डिस्टेंस कुछ होगा, मानो इसका जो लेंथ है डिस्टेंस निकल जाएगा, मगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है डियर स्टूडेंट एक ही जगह वो मीट कर रहा है। मानो तुमने इस क्लास से अपना चलना शुरू कर दिया, जैसे इस जगह मैं खड़ा हूं, यहां से मैं चला पूरा घुमा फिर यहीं पे आकर के मैं खड़ा हो गया, तो डिस्टेंस कुछ होगा, जितना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना मैंने ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है, मगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस केस में आपका 0 हो गया, बिकॉज मैं यहीं से शुरू किया फिर घूम फिर के फिर मैं इसी जगह आ गया, ठीक है। तो सीधी सी बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बिकम्स सेम, ठीक है, हर हमेशा वो डायरेक्शन में डिपेंड करता है ना डिस्प्लेसमेंट, मगर डिस्टेंस के लिए कोई आपका डायरेक्शन का नेसेसरी नहीं है। जब क्लास 8 9 में जाओगे तो वहां पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर, ठीक है, मतलब उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं। और ऐसा जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम लोग डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता है वैल्यू के साथ, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। इस सेंस से हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस आपका स्केलर है और आपका डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए डिस्टेंस आपका स्केलर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जब भी मेंशन करना है आपको, तो यू रिक्वायर द मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू अलोंग विद द डायरेक्शन, इसीलिए इसको लिखा जाता है वेक्टर। ये आपका आएगा स्केलर एंड वेक्टर, हायर क्लास में लगल रहेंगे, तो सीधी सी बात वही याद करना है, स्केलर वेक्टर में ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हम लोग वैल्यू लिखते हैं, उसको सीधे हम लोग सिर्फ उसको स्केलर लिखते हैं,
और ऐसा जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम लोग वैल्यू के साथ डायरेक्शन मैंडेटरी है ना लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से वही सीखना है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यदि स्ट्रेट पाथ है तो सेम हो जाता है, यहाँ देखो कर्व जिगजैग पाथ है ना, मगर यहाँ पर डिस्टेंस आपको जो लेंथ कवर किया जिगजैग, भले ही कोई भी पाथ रहे जिगजैग स्ट्रेट है ना, जहाँ से शुरू किया और फाइनल पॉइंट जितना दूरी है वो आपका डिस्टेंस, सपोज यहाँ पे 100 है तो 100 किलोमीटर, मगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो स्ट्रेट पाथ है जो शॉर्टेस्ट दूरी है बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल यहाँ पे 5 किलोमीटर है एक इस डायरेक्शन ए बी डायरेक्शन में, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका काफ़ी छोटा हो गया और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाता है। क्यों हो गया 0? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका सेम है। ठीक है, तो एक बार हम लोग बुक में आपका देख लेते हैं। The change in position of a moving body in a particular direction is called its displacement. I told you, ये जो होता है displacement, हर हमेशा अपने direction में आपका ध्यान देता है। ठीक है, direction आपको लेना ही पड़ेगा जब आप displacement लिख रहे हो या calculate कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे points to know. If a body moves between the two paths, points along its different paths, its displacement remains same for all the paths, though the distance covered by it may be different or for the different paths. ठीक है, यदि बॉडी इफ द बॉडी मूव्स बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग डिफरेंट पाथ्स इट डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम फॉर ऑल द पाथ्स दो द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट मे बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पाथ्स। इसका कहने मतलब यदि हम लोग बॉडी शुरू कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से है ना, जैसे ए से बी से सी से डी है ना, एक आपका छोटा छोटा हम लोग डायरेक्शन बना रहे, छोटा छोटा स्ट्रेट पाथ बना रहे हैं, तो उस केस के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट आपका अलग अलग होगा। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट पाथ्स, मगर यदि हम लोग इंटायर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो आपको सबसे छोटा दूरी लेने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट, आई टोल्ड यू अर्लियर, यदि बॉडी यहां से शुरू हुआ स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फिर वो घूम फिर कर फिर आपका ए में ही लौट रहा है, उसी जगह उसी स्थान पर लौट रहा है, तो उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट, इन विच कंडीशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी बिकम जीरो, तो लिखना है व्हेन अ बॉडी मूविंग है ना, व्हेन अ बॉडी मूविंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट है ना ए सपोज अगेन कम बैक एंड रिटर्न टू द सेम ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट देन दैट कंडीशन इन दैट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। तो सीधी सी बात लिखना है, इफ अ बॉडी हैज सेम इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट then in that condition in that case displacement becomes zero. Since displacement is measured from the initial point to the final position it has direction, therefore its quantity that has both magnitude and direction. Isse pehle bata liye hain kyunki displacement jab bhi likhte hain uska magnitude means value likhna padta hai plus direction mention karna padta hai displacement mein, isliye displacement ko hum log bolte hain vector aur distance ko bolte hain hum log scalar. theek hai, स्केलर की स्पेलिंग देखो यहाँ पे एस सी ए एल ए आर, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होना है। ठीक है, मीन्स अली वैल्यू जो वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड वैल्यू के साथ आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, साइंस में आपका फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो वहां पे स्केलर वेक्टर आपका लगल रहता है, तो सीधी सी बात है वो क्वांटिटी स्केलर हो जाता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन से आपका कोई लेना देना नहीं रखता है, और वो क्वांटिटी आपका वेक्टर लिखा जाता है चाहे बन जाता है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग उसका डायरेक्शन मेंशन करते हैं। ठीक है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर जो डिस्टेंस है आपका स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहां पे यूनिट दिया है डियर स्टूडेंट एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ध्यान देना एसआई यूनिट मींस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट डियर स्टूडेंट है ना, ये स्टैंडर्ड यूनिट है ना, जब भी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग लिखते हैं समथिंग मीटर, भले ही आपका न्यूमेरिकल्स में दिया है किलोमीटर में चाहे सेंटीमीटर में, और उसको कन्वर्ट करके मीटर में लिखो है ना, लिखना पड़ता है। यदि मीटर में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को देन वी आर यूजिंग द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज लेंथ। जब भी लेंथ को लिखते हैं हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी आपका है ना, उसको हम लोग लिखते हैं एसआई यूनिट में आपका मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है,
जिसको हम लोग लेते हैं मीटर में, यदि किलोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। और दूसरा आपका है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में आपका यदि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करें, सपोज चलो ना मीटर में लिख रहे हैं हम लोग, ना किलोमीटर में लिख रहे हैं, ना कोई आपका दूसरा यूनिट में लिख रहे हैं, इफ वी आर एक्सप्रेसिंग द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर देन दैट इज सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का फुल फॉर्म वही है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यदि लेंथ को सेंटीमीटर नाप रहे हैं, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में, तो उस यूनिट को, उस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या यूनिट को बोलते हैं हम लोग सीजीएस यूनिट। तो आ सकता है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो लिखना है द सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। यदि क्वेश्चन आ गया व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तब लिखना है द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। क्या होगा? मीटर होगा, एम ई टी आर ई मीटर, और उसका सिंबल स्मॉल एम है। तो यहां तक डियर स्टूडेंट आई थिंक यू हैव बीन वेल क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट स्पीड एंड वेलोसिटी है, हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड। पहले पढ़ लेते हैं यहां पे बुक में जो जैसा लाइन है, यहां पे द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एग्जैक्टली स्पीड, जब हम लोग बातचीत करते हैं स्पीड से ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है वो कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है कि तो स्लो करेगा कि तो फास्ट करेगा, उसी स्लो और फास्ट को जो मेजर करते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। द यूनिट फॉर स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इज एसआई यूनिट डियर स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, मगर जब भी एसआई यूनिट में लिखना है उसको हर हमेशा कन्वर्ट करके लिखना है, मीटर पर सेकेंड में लिखना है, ठीक है। उसके बाद द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहां से आपका वही डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे मैंने सर्च करके और लिख दिया अच्छा से डिफिनेशन, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी मूव कर रहा है और अपने जो समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कितना वो डिस्टेंस कम या ज्यादा ले रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। सीधी सी बात है, डिफिनेशन वही लिखना है। यदि आ गया डिफाइन स्पीड, लिखना है द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूव कर रहा है उसका स्पीड हम लोग आपका डिफाइन कर लिए। इसका फॉर्मूला कैसे है निकालना है स्पीड ना, हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी, क्वेश्चन आ सकता है। मतलब यदि हम लोग स्पीड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, इफ यू नो द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो दूरी है, टोटल जो लेंथ है उसको लेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक जो हम लोग पहुंचे उसमें कितना समय लगा, उसी समय के यहाँ पे नीचे आपका रख देना है और एक दूसरे को डिवाइड करना। ध्यान रखना डिस्टेंस जब भी लेना है मीटर में लेना है, और टाइम जब भी लेना है सेकेंड में लेकर के तब डिवाइड करना, तब आपको स्पीड आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स स्पीड निकालने का तरीका, जो डिस्टेंस यदि पता है हम लोग को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, और कितना समय लगा, मे बी 4 मिनट 5 मिनट चाहे 1 घंटा, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो डियर स्टूडेंट, ठीक है। जब वो दोनों क्वांटिटी को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं जो निकलेगा समथिंग मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, जब भी एसआई यूनिट लिखते हैं हम लोग स्पीड का, उसको हम लोग समथिंग मीटर पर सेकेंड मीन्स मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। और क्वांटिटी क्या है, स्केलर। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लिए, स्केलर ऐसा क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, इसमें डायरेक्शन से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। कि तो बॉडी आपका जिगजैग मूव करे, सीधा मूव करे, कर्व मूव करे, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मीन्स सच बॉडी को, सच क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है नहीं, इसीलिए आपका स्पीड स्केलर बन जाता है, ठीक है। इसे, इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना, ठीक है।
दूसरा आज यहां पे वेलोसिटी हम लोग देख लेते हैं, चलो बुक में पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। When we talk about the motion of a body, we should not only know about its speed, dear student, but also the direction in which body is moving. So velocity is the rate at which an object changes its position. It can be referred as a speed in a particular direction. It is defined as the distance traveled by a body in unit time in a given direction. So velocity can be defined as a displacement per unit time. तो सीधी सी बात है, यदि हम लोग किसी बॉडी का स्पीड एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब उस स्पीड को हम लोग यदि डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं, तो वो स्पीड नहीं कहलाएगा, रादर वो आपका उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी मीन्स सिंपली आपका स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यदि किसी बॉडी का स्पीड हम लोग लिखते हैं मगर उसका डायरेक्शन बताते हैं, चलो इस डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन यदि हम लोग लिखते हैं और वहां पे जनाते हैं डायरेक्शन, तो वो स्पीड स्पीड नहीं रहेगा, रादर हम लोग उसको लिखते हैं वेलोसिटी लिखते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन वही है डियर स्टूडेंट, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करता बॉडी उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कितना समय में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है वो बॉडी, मूविंग बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला स्पीड जैसा ही है, खाली सिर्फ यहां पे डिस्टेंस के जगह आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिया गया क्योंकि ये ऐसा डिस्टेंस है जिसको हम लोग डायरेक्शन के साथ मेंशन यहां पे किए हैं और टाइम टेकर। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, सेम इसको भी लेना है डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और टाइम को सेकेंड में लेकर के एक दूसरे को डिवाइड कर देना है, उसके बाद समथिंग मीटर पर सेकेंड यदि आता है तो ही आपका वेलोसिटी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी आपका वही है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहां पे देख लेना है डेफिनेशन, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, और क्वांटिटी आपका वो वेक्टर है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जब भी मेंशन करेंगे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड उसका वैल्यू के साथ हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक है, कि डायरेक्शन में वो स्ट्रिक्टली डिपेंड है डियर स्टूडेंट, इसीलिए इस बॉडी इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिफरेंस आ सकता है, यदि क्वेश्चन ने पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो ही लिखना है, एक टॉपिक में डेफिनेशन लिख देना है, दूसरा टॉपिक में डेफिनेशन, नंबर वन डिफरेंस, नंबर टू में लिखना है द क्वांटिटी इज स्केलर, मतलब स्पीड स्केलर है, बगैर वेलोसिटी क्या है आपका वेक्टर है। क्योंकि उसको जब भी वेलोसिटी मेंशन करेंगे आपको कुछ मैग्नीट्यूड चाहिए, कुछ वैल्यू चाहिए, उसके साथ उसको डायरेक्शन भी आपको चाहिए है लिखने के लिए। तो ये आपका अंतर रहा वेलोसिटी और स्पीड में। और यहां पे एक टॉपिक है, पॉइंट्स टू नोट डियर स्टूडेंट, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। इतना ही अंतर है। ठीक है, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, बट वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी विल बी जीरो इफ इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, जब वो बॉडी मूव कर रहा है और पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है ना टाइम में, तो स्पीड कभी भी आपके जीरो नहीं आ सकता है ना, जब वो बॉडी मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो कुछ दूरी तय करेगा तो कुछ हम लोग लेंथ ले लेंगे और जो समय लगा उसको हम लोग डिवाइड करके आपके स्पीड निकालेंगे। तो यहां से आ जाएगा दूसरा डिफरेंस, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट जो बॉडी मूव करना शुरू कर रहा है ए पोजीशन से, ए पॉइंट से फिर घूम करके उसी पॉइंट में आ रहा है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली आपका जीरो आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट तीसरा डिफरेंस आप लिख सकते हो है ना, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब वो बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट यदि आपका सेम है, जिस पॉइंट से अपना जर्नी चाहे मूविंग शुरू किया फिर वो लौट करके उसी पॉइंट में आ रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपका क्वेश्चन आ सकता है इससे
है ना, अधिकतर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी का वही लिखना है, नंबर वन डिफरेंस लिखना है, द डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी इज गिवन इन अ टेबुलर फॉर्म। मैंने सिखाया था टेबल में बना करके, टेबल बनाना है ना, टेबल जैसे इस ढंग से है ना, इस ढंग से बना लेना है, यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे स्पीड लिखना है और इस कॉलम में आपका वेलोसिटी लिखो यहाँ पे। तो नंबर वन में क्या देना है, डेफिनेशन देना है, क्या देना है, डेफिनेशन देना है नंबर वन, ठीक है। नंबर टू में आपका क्वांटिटी क्या है, स्पीड क्या है, स्केलर है, और ये आपका क्या है, आपका वेक्टर है, ठीक है। और नंबर थर्ड में लिखना है स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, व्हेन द बॉडीज स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। इस ढंग से आपका तीन पॉइंट में हम लोग डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक मीन्स अप टू वेलोसिटी, मीन्स स्पीड एंड वेलोसिटी तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट आपका है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सब लोग बुक में ध्यान से देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म मोशंस इफ इट्स स्पीड्स रिमेन कांस्टेंट, दैट इज ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि कोई बॉडी, इफ एनी बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, यदि सीधा वो मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ वो आपका मूव कर रहा है, ठीक है, उसको यूनिफॉर्म मोशन तब बोलेंगे जब उसका स्पीड कंस्टेंट हो गया, मतलब आप स्पीड नहीं घट रहा है ना बढ़ रहा है ना, मतलब एक समान गति से वो अपना डिस्टेंस को कवर कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मानो इस एक सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगला सेकेंड में कितना ट्रैवल करना चाहिए, 10 मीटर, फिर अगला सेकेंड में 10 मीटर, फिर 0.5 सेकंड में 5 मीटर उसका आधा। यदि टाइम बढ़ेगा, टाइम दुगना करते उस हिसाब से आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, मगर एक समान गति से यदि आपका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब स्पीड यदि सेम रहा, कंस्टेंट रहा, फिक्स हो गया, उस मूविंग बॉडी को जो आपका मोशन है उस टाइप का मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कंस्टेंट स्पीड, फिक्स स्पीड, then that type of motion is said to be uniform motion direction. उसका ठीक उल्टा non uniform motion, कभी speed घट रहा है बढ़ रहा है, means body का जो body का speed है चाहे velocity है यदि आपका constant नहीं है, fluctuate कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उस moving body का जो motion है उसको हम लोग बोलते हैं non uniform motion बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग और अच्छा से पढ़ लें, यहाँ पे जैसे मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड और एट अ कंस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो बहुत सारा एग्जांपल हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं इसका, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का। जैसे मानो एक कार एक समान गति से एक समान स्पीड से वो स्ट्रेट पाथ में स्ट्रेट रोड में आगे बढ़ रहा है, और गौर से देखना आप लोग, एक सेकेंड में सबको 10 मीटर तय किया, फिर अगला सेकेंड में 10 मीटर, इसी हिसाब से बढ़ रहा है कोई भी बॉडी, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। यदि कार कभी हाई कभी लो कभी आगे कभी पीछे, मतलब कभी कहीं तेजी से चल रहा है फिर तुरंत शांत हो जा रहा है, मीन्स धीमा पड़ रहा है, तो उसी कार का जो मूविंग कार है उसको उस मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, आपका रोटेशन ऑफ अर्थ आपका यूनिफॉर्म है, क्योंकि 24 आवर्स ही लगते हैं उसको डे एंड नाइट करने के लिए, रिवोल्यूशन 365 1/4 डेज, ठीक है, तो जितना दूरी तय करता है वो फिक्स टाइम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी कभार एक साल आपका होने के लिए आपका समय ज़्यादा लगा देता है, ऐसा नहीं कि सीजन चेंज होने के लिए आपका 1 ईयर ही लगते हैं, ठीक है, पहले भी लगता है अभी भी उतना लग रहा है और आने वाला समय में उतना ही लगेगा। तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ प्लानट, रोटेशन ऑफ प्लानट, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सब क्या है आपका यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे क्लॉक देखा होगा, सेकेंड का सुई है ना, मिनट का, जो आवर हैंड का है, एक समान गति से वो घूमते रहता है डियर स्टूडेंट,
तो उसको भी हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, यदि आप भी मूव कर रहे हो एक समान गति से, समान स्पीड से, तो आपका मोशन उस समय क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। यदि हम लोग कहीं आपका दौड़ रहे हैं, कहीं धीमा चल रहे हैं, तो उस बॉडी का जो मोशन है आपको, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहां पे आयन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। द मोशन ऑफ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आ जाता है तो यहां से वही समझना है, यदि बॉडी का स्पीड आपका कंस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, और वो अपनी स्पीड लगातार आपका चेंज कर रहा है, कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, कहीं स्पीड बढ़ा लेता है, कहीं स्पीड आपका घटा लेता है, तो उस केस को ही हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल वही है जैसे व्हेन यू कम फ्रॉम योर होम टू द स्कूल, ठीक है, है ना, तब आप कहीं आपका ज़्यादा चलते हो, कहीं आपका रुक जाते हो, कहीं फिर दौड़ते हो, तो उस टाइप का जो मोशन हम लोग एग्जिबिट कर रहे हैं दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे बी का चलना, है ना, बी कम्स बजिंग एयर हेयर एंड देयर, है ना, ये सब क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल मूविंग बॉयज, रनिंग बॉयज, है ना, यदि आपका उसका स्पीड कंस्टेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। दूसरा टॉपिक यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखो टाइम मीन्स आपका समय है, है ना, कोई भी जो चीज़ आपका मूवमेंट हम लोग के लाइफ में हो रहा है वो कितना इंटरवल के लिए हो रहा है, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम। मीन्स टाइम इंटरवल बिटवीन दैट इंसिडेंट जो हम लोग के साथ हो रहा है चाहे हो गया है, उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम। और टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग बहुत सारा डिवाइस हम लोग बना लिए, दैट इज द क्लॉक। क्लॉक का बहुत सारा वेरिएंट है, रिस्ट वॉच है, पेंडुलम है, अलग अलग वर्सन है, मगर उसका काम एक ही है, टाइम को मेजर करता है। ठीक है, अभी कितना बजा, अभी हम लोग देख करके, जैसे अभी कोई पूछ लिया आपसे व्हाट इज टाइम, तो कैसे बताओगे, डेफिनेटली आपको की तो मोबाइल दिखना पड़ेगा, की तो अपनी रिस्ट वॉच दिखना पड़ेगा, चाहे मैं भी यदि आपका रूम में हो, रूम में आपका कहीं पे आपका वॉल क्लॉक है, तो वॉल क्लॉक की ओर देखते हो, हाँ सर 3:03 और आपका 15 सेकेंड हो गया, इस ढंग से बताते हैं हम लोग। तो आपका समय कैसे मेजर किया वहाँ पे, क्लॉक से, टाइम से। पहले भी मेजर होता था इंस्टेंट टाइम में, सन डायल था, है ना, सेंट क्लॉक था, वाटर क्लॉक था, बहुत सारा उसमें था आपका, है ना, जैसे सन डायल आपको देख सकते हो, जो आपका जो क्या है आपका जयपुर में आपका है ना, आपका जंतर मंतर है ना, वो आपका एग्जैक्टली सन डायल है, सन के जो शैडो होता है, शैडो देख करके हम लोग पता कर लेते हैं कि अभी आपका जो इस डे करका उस समय आपका क्या समय है। मगर ये जो आपका सन डायल है, जो जंतर मंतर हम लोग बोलते हैं, जो सेंट्रल दिल्ली में है और जयपुर में भी आपका है, ये आपका नाइट में आपका काम नहीं करेगा। नाइट में काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि उस समय आपका सनलाइट नहीं है, क्योंकि शैडो से काम करते हैं, शैडो से हम लोग बताते हैं कि कितना समय हो रहा है, किस पहर हो रहा है। मगर जो रिस्ट वॉच है जो हम लोग आपका लगाते हैं, अब इन दिनों तो डिजिटल वॉच आ गया डियर स्टूडेंट, और डिजिटल वॉच ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेसी से हम लोग को टाइम पता चल जाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम सिंपली सी बात यहाँ पे है, टाइम इज फेनोमिनन बाय विच ह्यूमन बींग्स ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड द यूनिवर्स। ठीक है, टाइम ऐसा फेनोमिनन है, ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से ह्यूमन बींग्स क्या करता है, हर एक इंसिडेंट को ऑब्जर्व करता है, और आपका जो रिकॉर्ड्स जो आपका हो रहा है, आपका चेंज परिवर्तन जो हो रहा है हम लोग के सराउंड में, उसको रिकॉर्ड करता है, जो एनवायरनमेंट में पर्यावरण जो हो रहा चेंजेस उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, है ना, उस इंटरवल ऑफ टाइम को हम लोग बोलते हैं इन द यूनिवर्स भी, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड अ डे। ठीक है, एक दिन का समय वही आपका होता है 24 आवर्स होता है, जैसे आज सनराइज हुआ, फिर अगला सनराइज होगा नेक्स्ट डे, वहां तक जो समय है उसको हम लोग बोलते हैं एक दिन, मीन्स वन डे। ठीक है, अब मंथ इज मेजर फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। आज सपोज मान के चलो आज न्यू मून का आपका शुरू हुआ, तो अगला जो न्यू मून आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक मंथ, मोटा मोटी आपका 30 डेज, है ना, उसी के हिसाब से, उसी न्यू मून के जो फेजेस है, न्यू मून के जो टाइम इंटरवल है, उसी के हिसाब से कैलेंडर सब तैयार किया गया, लूनार कैलेंडर।
ठीक है, कैलेंडर हम लोग देखा होगा, मोटा मोटी आपका 30 डेज का होता है। एंड अ ईयर इज अ फिक्स टाइम एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। और जो ईयर है, साल है ना, डे कितना समय होता है, एक सनराइज से अगला सनराइज को हम लोग एक डे बोलते हैं, और एक न्यू मून से फिर अगला न्यू मून आने तक उसको बोलते हैं हम लोग वन मंथ। फिर एक ईयर किसको बोलेंगे, एक ईयर मीन्स जो अर्थ जो आपका घूमते घूमते आपका एक रिवोल्यूशन जो करता है सन के आसपास, जो एक चक्कर लगा लेता है ना, उसी कंप्लीट रिवोल्यूशन मीन्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन है ना ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए अर्थ को कितना समय लगता है, 365 and 1/4 days, ठीक है, इतना समय को हम लोग बोलते हैं वन ईयर। Often we used to measure interval of time which are much shorter than the day. Clocks or watches are the most common time measuring devices. अब इन दिनों हम लोग को मोटा मोटी एक दिन को नहीं मेजर करते हैं, एक दिन से भी काफी छोटा छोटा समय को मेजर करने की जरूरत लगता है, जैसे कितना आवर, कितना मिनट, कितना सेकेंड, तो उसको कैसे मेजर करेंगे डियर स्टूडेंट, है ना। उसके लिए तो हम लोग सनराइज सनसेट का रेफरेंस तो नहीं ले सकते हैं, उसके लिए कुछ आपका स्पेसिफाइड डिवाइस या टूल्स है ना की जरूरत लेते हैं, जैसे आपका क्लॉक्स हो गया, वॉच हो गया है ना, ATCs हो गया, इसके मदद से हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या सेकेंड, क्या टाइम, क्या आवर आपका हो रहा है। मीन्स टू मेजर, वाइल मेजरिंग द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वी यूज द हेल्प ऑफ रिस्ट वॉच, क्लॉक्स, ATCs, ठीक है। वन ऑफ द अर्लिएस्ट मीन्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टाइम वॉज विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट एंड द चेंजेस ऑफ द पोजिशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे है ना, एंड द मून ड्यूरिंग द नाइट। तो पहले प्राचीन काल में, इन एंशियंट टाइम में, सन का जो पोजिशन था, मूवमेंट था, उसको देख करके उस समय के जो एंशियंट पीपल थे आपका समय को मेजर करते थे डियर स्टूडेंट। और जो मून का जो फेजेस है, मून का जो मूवमेंट होता है नाइट में, उसको देखते हुए नाइट का समय को मेजर करता था, ठीक है। मगर वो काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और काफी आपका, यदि आपका एक्सपर्ट नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत समय है ना, गलत समय का जो होता है वो आपका शिकार बन सकते हो। मीन्स आप सही टाइम और सही इंटरवल आप नहीं समझ पाओगे बाय लुकिंग द सन्स फेज एंड द मून्स फेज, ठीक है। उसके लिए काफी आपका समय, काफी आपका इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ता है, ठीक है, ध्यान से देखने की जरूरत पड़ता है। द पोजिशन ऑफ द स्टार्स ऑल्सो हेल्प इन एस्टिमेटिंग द टाइम ड्यूरिंग द नाइट। तो प्राचीन काल में काफी कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ था जिससे आपका टाइम को मेजर कर पा रहा था वो सब एंशियंट पीपल। सन का फेस देख करके ड्यूरिंग डे टाइम सन को देखना है, सन का लोकेशन देखना है, कहाँ पे कैसे है ना। नाइट में आपका आ गया मून का पोजिशन देखना है, कहीं पे कोई ट्रैवल कर रहा है, तो जो आपका स्टार से ऊपर में नाइट स्काई में, उसको देखते हुए वो अपना है ना समय का पता कर लेता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जंतर मंतर लोकेटेड इन सेंट्रल दिल्ली इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ सन डायल। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टाइम इज नोन एज क्लॉक। द ओल्डर क्लॉक्स लाइक अ सैंड क्लॉक, द वाटर क्लॉक वेयर समव्हाट क्रूड टाइप ऑफ क्लॉक्स। आई टोल्ड यू जंतर मंतर अभी भी है वहां पे सेंट्रल दिल्ली में, एक आपका फेमस सन डायल है जो आपका वर्क करते हैं ऑन द सन्स पोजिशन। सन जब गिरता है वहां पे डिफरेंट शैडो और डिफरेंट मेजरिंग आपके स्केल में गिरता है, और उसके हिसाब से आपका टाइम का पता चलता है। यदि सनलाइट यदि ब्राइट है तो आपका अच्छा से समय पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। यदि उसी जगह फगी डेज है, डार्क डेज है, चाहे यदि नाइट हो गया, तो आपको समय का पता वो आपको सन डायल आपका नहीं दे सकता है, ठीक है। उसी जगह बहुत सारा एडवांस भी, उस समय आपका दूसरा क्लॉक भी यूज करता था एंशियंट पीपल, जैसे आई टोल्ड यू सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, जैसे बहुत सारा मूवी में आपको देखा होगा सैंड क्लॉक, एक दो आपका रहता है ना, इसको एक है ना उल्टा दिया, फिर सैंड उसके अंदर फिर नीचे जमा होता है बॉल में, है ना, तो दैट इज द सैंड क्लॉक। वैसे ही वाटर क्लॉक को ही बनाया जाता था है ना, जिससे आपका समय का मेजर कर लेते थे वो सब, ठीक है। दे अर्ली गेव एन approximations of the duration of the time, वो सब सिर्फ आपका उससे पता चलता था कि चलो approximate इतना समय हुआ होगा, है ना, मगर exactly जो accuracy होना चाहिए वो आपको बिल्कुल ऐसे device आपका नहीं देता है। इसीलिए हम लोग इन दिनों आपको clocks, wrist watch, digital watch ये सब बनाने की जरूरत लगा, ठीक है। And now we are measuring the each and every interval of time very accurately and very properly. अब देखो यहाँ पे nowadays we use a wrist watch or a quartz clock. A mechanical wrist watch is provided with a balance wheel which oscillates like a pendulum.
In quartz clock, first vibrating crystal of the quartz oscillate at a very precise rate and hence measure the time more accurately. The automatic clock is the most scientifically developed clock and therefore is most accurate of all. ठीक है, इट इज द ऑटोमेटिक क्लॉक मेंटेन्ड एट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL एट दिल्ली व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द बीप्स बिफोर द मॉर्निंग न्यूज. ठीक है, दिस बीप्स इंडिकेट द स्टैंडर्ड टाइम. दिस ऑटोमेटिक क्लॉक इज एक्यूरेट अप टू अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकेंड. तो इससे हम लोग समझ सकते हैं, आप इन दिनों हम लोग बहुत सारा क्लॉक्स बहुत सारा रिस्ट वॉचेस डेवलप कर चुके हैं, ऑटोमेटिक है ना. क्वार्ट्स देखा होगा, क्वार्ट्स क्रिस्टल देखा जाता है, वो अंदर ऑसिलेट करते हैं, रहते हैं, है ना. उसी ऑसिलेशन से आपका समय का पता चलता है. ठीक है, सेकेंड सेकेंड से, मिनट मिनट से आपका आवर पता चल जाता है. तो अलग अलग वर्सन है, अलग अलग डिवाइस है ना. उसका मेन आपका काम है आपका टाइम को मेजर करना, इंटरवल को, टाइम है जो इंटरवल हम लोग जो बिता रहे हैं उसको मेजर करना है. उसके अलावा ऑटोमेटिक क्लॉक भी आपका मोस्ट साइंटिफिकली एडवांस है. ऑटोमेटिक क्लॉक ज़्यादा एक्यूरेट है ना. यहाँ बोला गया है अप टू 1 मिलियन पार्ट ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड का 1 मिलियन टाइम भी आपका वो समय एक्यूरेट बता सकता है. इतना एक्यूरेट समय बताता है. और इसको आपका NPL जो नेशनल फिजिकल है ना लेबोरेटरी एट दिल्ली है उसमें रखा गया ऑटोमेटिक क्लॉक. और वहाँ पे हर एक जो मिलियन पार्ट ऑफ सेकेंड है, सेकेंड का सेकेंड भी आपका वो आसानी से है ना क्लीनली क्लियरली और एक्यूरेट आपको वो पता कर लेते हैं, आप बता देते हैं समय. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डियरेस्ट फ्रेंड मेजरमेंट ऑफ टाइम. तो यहाँ से वही सीखना है, टाइम इज मेजर्ड बाय यूजिंग द सम काइंड ऑफ द स्टैंडर्ड एंड वेल एडवांस डिवाइस लाइक द रिस्ट वॉचेस, क्लॉक्स, ऑटोमेटिक क्लॉक्स, पेंडुलम क्लॉक्स, ETCs इन दिस डे. एंड इन दिस डे डिजिटल क्लॉक्स भी आपका आ गया, जिससे आसानी से है ना न्यूमेरिक फॉर्म में आपका डिस्प्ले होता है क्या आवर है और क्या आपका मिनट्स हुआ, क्या आपका सेकेंड आपका गुजर रहा है. ठीक है, तो ये सब आपके डिवाइस है जिससे हम लोग टाइम को इजीली मेजर कर पाते हैं. डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है सिंपल पेंडुलम. आई टोल्ड यू ये भी आपका वही है, टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए बनाया गया था है ना. द फेमस एस्ट्रोनोमर गैलीलियो गैलीली परफॉर्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम एंड सजेस्टेड दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम. ही सेड इफ अ वेट हॉर्न फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज मेड टू स्विंग इट ऑलवेज कंप्लीट्स वन टू एंड फोर मोशंस इन एग्जैक्टली द सेम टाइम. इन अदर वर्ड्स इट रिपीट द ऑसिलेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो गैलीलियो गैलीली एक फेमस एस्ट्रोनोमर थे है ना, इटाली के थे है ना. उन्होंने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम बनाए, एक स्ट्रिंग लिए और स्ट्रिंग के नीचे एक भारी भरकम कुछ आपका है ना सर्कुलर राउंड टाइप का आपका कुछ आपका हैवी मेटल रखे और उसको जब स्विंग करने टू एंड फोर डायरेक्शन में आपका अलाउ किया तो वो निश्चित जिस समय में आपका टू एंड फोर करते थे, जैसे जिस समय में इधर जाते थे उसी समय फिर वापस वो आ जाते थे. मीन्स जितना समय टू के लगे उतना समय ही आपका फ्रो के लिए लगता है. तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया, चलो ये जो टू एंड फ्रो मोशन आपका है जो इस पेंडुलम ने शो कर रहा है इससे हम लोग टाइम का एग्जैक्टली मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ वेट लाइक मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग. द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड टू अ रिजिड सपोर्ट. एक आपका सपोर्ट में लगाया जाता है, एक स्ट्रिंग होता है और नीचे आपका कुछ हैवी मेटल्स राउंड टाइप का आपका लगाया जाता है. ठीक है, गोलाकार आकार के दिस मेटल बल, चाहे मेटल बल लगा सकते हो चाहे स्टोन लगा सकते हो, तो उसी मेटल बल का नाम दिया गया है मेटल बॉब, BOB बॉब. देखो बुक में बॉब बोल सकते हैं उसको. फिगर ए शोज द, यहाँ पे फिगर ए आपको बता रहे हैं, यहाँ पे शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन द मेन पोजिशन. यदि आपका रेस्ट में है तो एग्जैक्टली वो नीचे स्ट्रेट आ जाता है ना. और जो सेंट्रल पोजिशन उसको बोलते हैं हम लोग मेन पोजिशन. जब वो मूव करता है साइड से तो साइड जो आया इधर इधर उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजिशन. बीच को बोलेंगे हम मेन और साइड को बोलेंगे हम लोग एक्सट्रीम पोजिशन. ठीक है, तो व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड इट ब्रिंग्स टू मूव टू टू एंड फोर. द टू एंड फोर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन. यदि उसी जो स्ट्रिंग में एक जगह फिक्स है, रिजिड है और नीचे आपका मेटल बॉल्व है, यदि उसको है ना एक जगह लिया और उसको छोड़ दिया गया तो वो मूव करना शुरू कर देगा डियर स्टूडेंट टू एंड फ्रो डायरेक्शंस. ठीक है,
इसी टू एंड फ्रो डायरेक्शन का जो मोशन है उसको बोलते हैं हम लोग पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन इसलिए बोले जितना समय इधर लगता है उतना ही समय वो वापस आने के लिए लगता है। मानो एक सेकंड में इधर गया फिर अगला सेकंड में आपके इधर आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया पेरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन बोला गया। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ओ मूव्स टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। ओ से शुरू हुआ, जैसे ओ से शुरू किया ए गया फिर ए से बी गया फिर बी से ओ तक आया, इसको बोलते हैं हम लोग एक कंप्लीट है ना ऑसिलेशन बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजिशन ए टू द एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड कम बैक टू ए। जिसको दूसरा ढंग से भी समझ सकते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब यदि ए से शुरू किया जैसे इधर ले लिए बॉब को छोड़ दिए फिर बी गया बी से फिर वापस ए आया उसको भी बोलते हैं हम लोग वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। जिस पॉइंट से शुरू हुआ चाहे मेन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन फिर वापस वहीं लौट के आ जाता है उस समय को उस अवधि को हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। यदि बी से शुरू हुआ छोड़ दिए ए गया ए से फिर वापस बी में आया तो भी आपका वन कंप्लीट ऑसिलेशन है डियर स्टूडेंट, ठीक है। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जितना एक जितना समय लगता है एक ऑसिलेशन उसको पूरा करने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। जैसे मानो बी से शुरू किया कर दिए उसको फिर छोड़ दिए रिलीज किए ए तक आया ए से फिर वापस बी गया तो जितना समय लगा कितना टाइम लगा उसको बी से शुरू होकर के बी तक आने के लिए उसी समय को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। मींस टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट इट्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरा आपका है यहां पे मेजरिंग स्पीड, क्योंकि इससे पहले हम लोग स्पीड में पढ़ लिए हैं। यदि आपको डिस्टेंस पता है और कितना समय में वो डिस्टेंस कवर किया उस मूविंग बॉडी ने तो उसको एक दूसरे से डिवाइड कर देना है और ध्यान देना डिस्टेंस को हम लोग मीटर में लिखेंगे एसआई यूनिट में और टाइम को हर हमेशा हम लोग सेकेंड में लिखेंगे मीन्स एसआई यूनिट में लिखेंगे और एक दूसरे क्वांटिटी हम लोग डिवाइड करते हैं तो समथिंग मीटर पर सेकेंड यदि आंसर आता है तो इस हिसाब से हम लोग स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है टॉपिक हाउ कैन यू मेजर द डिस्टेंस स्पीड। तो व्हेन टू बॉडीज मूव थ्रू द सेम डायरेक्शंस द फास्टर वन विल टेक द लेस टाइम। हाउ डू ही कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। इफ अ बॉडी मूविंग बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस डी मीटर इन अ टाइम टी देन स्पीड v इक्वल टू डी बाय टी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दूसरा टॉपिक दिया है यहाँ पे स्ट्रेन हाउ टू मेजर द स्पीड। मेजरमेंट ऑफ टाइम तो हम लोग सीख लिए मेजरमेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। यदि आपका कोई भी बॉडी मूव कर रहा है मीन्स चेंज कर रहा है अपने पोजीशन को मानो ए से आपका बी तक गया, ठीक है। ए स्टार्टिंग पॉइंट है शुरू का पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है एंडिंग पॉइंट है। मानो यहां तक डिस्टेंस आपका डी है डी कितना समय में आपका टी समय में तो स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेर स्पेन वी से ध्यान देना स्पीड इक्वल टू वी और डिस्टेंस यहां पे क्या है डी है बाई टी तो देर फोर ये फॉर्मूला बन गया वी इक्वल टू डी बाय टी। आई टोल्ड यू इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लिए थे स्पीड में यदि आपको डिस्टेंस पता है और कितना समय में वो डिस्टेंस कवर किया उस मूविंग बॉडी ने यदि पता है तो आप स्पीड इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई टोल्ड यू बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा बार बार आपको फोकस करना चाहूंगा डिस्टेंस यदि हम लोग स्पीड कैलकुलेट डिस्टेंस को हर हमेशा समथिंग मीटर में लिखना डियर स्टूडेंट। यदि किलोमीटर में आपका दिया है क्वेश्चन ने तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। टाइम यदि मिनट में है आवर में है तो उसको सेकेंड में लिखो और इसको एक दूसरे को डिवाइड करके जो आंसर आएगा समथिंग मीटर पर सेकेंड। यदि ऐसा लिखते हो मीन्स यू हैव गॉट द राइट आंसर इन एसआई यूनिट। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट यू ट्राई टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी इन इट्स एसआई यूनिट, है ना। कोई भी क्वांटिटी यदि हम लोग निकाल रहे फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका हर हमेशा एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करने की हम लोग कोशिश करेंगे देन ओनली आवर आंसर्स आर द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द फिजिक्स बिकम्स वेरी है ना वेरी आपका एक्यूरेट एंड करेक्ट एज पर द एसआई यूनिट रूल्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग स्पीड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से कोई आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए मींस
अप टू मेजरमेंट ऑफ द स्पीड आई थिंक यू माइट हैव बीन क्लियर डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो लेट मी इरेज दिस। नाउ डियर स्टूडेंट, एक टॉपिक यहां पर छूट गया था। नेक्स्ट पेज में देखना, वहां पे एक आपका डायग्राम दिया है। एग्जैक्टली दिस डायग्राम ऐसा आपका टाइप का मीटर देखा होगा। इट इज वन मीटर गर्ल्स एट द मीटर फाउंड इन आ मोटर बाइक्स अदर व्हीकल्स। देखा होगा बाइक में, स्कूटी में, फ्रंट में जहां पर वाइजर के ठीक ऊपर वहां पे इस टाइप का डिवाइस आपका रहता है। एंड ये आपका एनालॉग है, पर इन दिनों तो आपका डिजिटल वर्जन सब आपका देखने को मिलता है, मीन्स स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है ये सब चीज। तो ये आपका एनालॉग है, ऐसा दिखता होगा 0, 10, 20, 30, 40, 100 ऐसा ही, 140, 160 ऐसा ही कुछ आपका दिखाई मिलता है। और उसके बीच में एक आपका है ना सर्टेन मीटर है जिसमें आपका किलोमीटर समथिंग जैसे 2, 5, 5, 6 और यहाँ पे आपका 0, 1, 2, 3 आपका वो बढ़ते रहता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 मीटर है, एक आपका ओडोमीटर है, और ये जो आपका देख रहे हो आपका जो किलोमीटर पर आवर में जो एक्सप्रेस किया गया दैट इज द स्पीडोमीटर। तो डियर स्टूडेंट यहां से ही समझना है, व्हेन यू वांट टू मेजर द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है एक आपका कोई भी पाथ में, यदि आपका ए मीटर उसके ऊपर लगा है देन इट विल गिव द स्पीड ऑफ दैट मूविंग बॉडी, है ना। एंड दिस इज नोन एज द स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड इजीली पता कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और ओडोमीटर जो एग्जैक्टली है ये बताता है कितना दूरी, कितना डिस्टेंस आप लोग ने कवर कर लिया, ठीक है। इसको हम लोग जनरली वहां पे किलोमीटर में आपका लिखा जाता है। हालांकि मीटर आपका ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, पर मीटर पर सेकेंड यदि यहाँ पे शो करेंगे तो वो ज्यादा नंबर में हो जाएगा, है ना। उसका मतलब जो वैल्यू होगा है ना, मतलब थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यहाँ पे यदि मीटर में एक्सप्रेस, मीन्स बहुत सारे जीरो आ जाएंगे तो मीटर थोड़ा बड़ा है ना, बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से हटने के लिए, डिफिकल्टी से हटने के लिए हम लोग थोड़ा आपका हायरली जो यूनिट होता है वो यूज करते हैं फॉर कन्वीनियंट, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट, ठीक है। तो यहां से ही समझना है, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट मूविंग बॉडी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यहां पे है डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां पे दिया है बुक ने आपका। देखो यहां पे नंबर वन व्हेन अ बॉडी इज एट अ रेस्ट, तो रेस्ट रेस्ट हम लोग जैसे यहां पे कोई एक बॉडी है, जैसे हम लोग ले ले खुद को एक रेफरेंस पॉइंट, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट में एक रेफरेंस पॉइंट है और कोई आपका यहाँ पे एक बॉडी है बी, इसका दूरी सपोज आपका 15 मीटर एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, ठीक है। मतलब ए बॉडी से बी बॉडी कितना दूरी है, 15 मीटर के अलग दूरी में है ना। तो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होना चाहिए क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट पाथ शो किया गया है, ठीक है। स्ट्रेट पाथ इसलिए हो जाएगा क्योंकि सपोज यहाँ पे 1 सेकेंड में ए बॉडी यहाँ पे है 15 मीटर हम लोग से दूरी में है, सपोज ए पॉइंट में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, 9:01 में ए बॉडी इतना ही दूरी में है, 15 मीटर का दूरी में है, फिर 2 सेकेंड में उतना ही दूरी है, 3 सेकेंड में उतना ही आपका है, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस बिटवीन आपका रेफरेंस पॉइंट और उस ऑब्जेक्ट में आपका है वो आपका फिक्स रहता है, इसीलिए इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा डियर स्टूडेंट। कोई भी समय रहे वो बॉडी वहीं पे है, 15 मीटर अहेड है, चाहे 15 मीटर 10 मीटर जो हम लोग रेफरेंस डिस्टेंस लिए हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी इज एट द रेस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट ग्राफ है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड में है। आप बुक में ध्यान से देख लेना यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनना चाहिए कैसे बनना चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लिए थे है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है ना इज कंस्टेंट, मतलब एक कंस्टेंट स्पीड के लिए आपका जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसे बनना चाहिए, आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है डियर स्टूडेंट। 1 सेकेंड में मारो 1 सेकेंड में 10 मीटर लिया, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30 मीटर,
फोर सेकेंड में 40 मीटर, इस हिसाब से, मतलब वो जिस टाइम के हिसाब से बढ़ना चाहिए, है ना, जो रेशियो होना चाहिए डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वो आपका फिक्स रेशियो से बढ़ रहा है। और यदि इस पॉइंट को जोड़ा जाए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगे डियरेस्ट फ्रेंड, ठीक है। यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उसका जो बनना चाहिए एक सीधा लाइन बन जाएगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, है ना। जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग वाई एक्सिस, ये आपको वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स में, वाई एक्सिस में डिस्टेंस को ले लेना है, डिस्टेंस को समथिंग मीटर में शो कर देना है, 10, 20, 30, 20, एनीथिंग एल्स। और इधर आपको टाइम को हम लोग सेकेंड में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, 1 सेकेंड में मानो यहाँ पे आपका 10 मीटर गया, दूसरा सेकेंड में 20, थर्ड में 30, फोर में 40, 5 सेकेंड में 50 मीटर, ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको। जब इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे हम लोग डियरेस्ट फ्रेंड, तब एक आपका स्ट्रेट लाइन आपका आ जाएगा जो कि आपका ओरिजिन को आपका पास करता है, ठीक है। तो इस ग्राफ, ये ग्राफ किस में आएगा, ऑल यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाएगा, है ना। इसलिए द नेचर ऑफ ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट पासिंग टू द ओरिजिन, ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, चाहे यूनिफॉर्म मोशन के केस में। अब इसी के कंट्ररी में आ जाओ यहाँ पे दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म आपका एक कर्व बन जाता है डियर स्टूडेंट, यदि क्योंकि डिस्टेंस जो टाइम का जो रेशियो है यहाँ पे आपका फ्लक्चुएट करते रहता है, मीन्स जो रेशियो फिक्स होना चाहिए वो रेशियो आपका फिक्स नहीं है, वो फिक्स रेशियो आपका नहीं होता है, क्यों, क्योंकि स्पीड बार बार आपका चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसीलिए इसका जो ग्राफ बन जाता है थोड़ा कर्व बन जाता है। तो यहाँ से वही याद रखना है, द ग्राफ, द नेचर ऑफ द ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट, बट द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज कर्व, ठीक है। इस ढंग से आपका ग्राफ बनेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डियर स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिटवीन द व्हेन स्पीड इंक्रीजेज विद द टाइम एंड व्हेन स्पीड डिक्रीजेज विद द टाइम। नाउ डियर स्टूडेंट, सो क्लास 7 स्टूडेंट, मोशन एंड टाइम का लास्ट टॉपिक बचा है, व्हेन स्पीड इंक्रीजेज विद टाइम एंड व्हेन स्पीड डिक्रीजेज विद टाइम। तो ये आपका हम लोग का लास्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे जब स्पीड बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे इस पॉइंट से स्पीड बढ़ रहा है और इस पॉइंट में आपका घट रहा है यहाँ पे, मीन्स पॉइंट ए से यहाँ तक बढ़ते चला गया, फिर यहाँ से कर्व होना शुरू कर दिया, मीन्स इस पॉइंट जहाँ से कर्व हो रहा है, जिस पॉइंट से कर्व हो गया समझ लेना वहां से वो आपका और नीचे की ओर आ रहा है यहाँ पे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड स्पीड इज डिक्रीजिंग। जब वो आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है इट मीन्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, बट व्हेन इट इज डिक्लाइनिंग, है ना, जब वो आपका गिर रहा है ना, वो आपका डिक्लाइन कर रहा है टू द डाउनवर्ड्स मोशन और द डाउनवर्ड पोजिशन, देन यू हैव टू से दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे दो जगह स्लोप लिया गया है, ए पॉइंट एंड द बी पॉइंट में, डियर स्टूडेंट स्लोप ऑफ द ए पॉइंट इज हायर बिकॉज इट इज राइजिंग, ठीक है, वो आपको ऊपर की ओर इंक्लाइन कर रहा है और यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है यहाँ पे बी पॉइंट में। तो एक में आपका स्पीड इंक्रीज कर रहा है टाइम में, और दोनों एक क्यों, एक कर्व क्यों बन रहा है, बिकॉज इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज व्हेन स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज तो कंडीशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यदि स्पीड आपका कंस्टेंट है तो वो आपका सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा लाइन, ठीक है, मगर यहाँ पे जो नेचर ऑफ ग्राफ बन रहा है यहाँ पे कर्व लाइन है। तो कर्व से हम लोग पता कर सकते हैं स्पीड यहाँ पे बढ़ा और बाकी बात यहाँ पे घट रहा है। सो द नेचर ऑफ ग्राफ सो ऑब्टेन इज कर्व इन नेचर। और यहाँ पे स्पीड ए पॉइंट पे आपका स्पीड आपका मैक्सिमम है, मतलब स्पीड इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, और बी पॉइंट पे आपका स्पीड डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड टाइम के साथ बढ़ेगा और टाइम के साथ घटेगा, तो उसका जो ग्राफ बनना चाहिए कैसा बनना चाहिए, तो यहाँ पर ग्राफ शो किया गया, ठीक है। नीचे टाइम को आपको शो करना है और ऊपर आपका डिस्टेंस को शो करना है इन मीटर, ठीक है, इन सेकेंड और इन मीटर में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका ओ मीन्स ओरिजिन है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ फाइनली डियर स्टूडेंट लास्ट मैसेज आई वुड लाइक टू कन्वे, मीन्स वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ द फिजिक्स मोशन एंड टाइम। तो यहां से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऑल ऑफ यू स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एंड जस्ट गो थ्रू योर
रेगुलर एक्सरसाइजेस है ना, जो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर बना लेना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स है, जो बाकी जो एक्सरसाइज है पीछे, वो सारा चीज आपको कॉपी में नोटबुक्स में आपका बनाते ही रहना। टिल देन टेक केयर, है ना, गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।